चीमा वेलकम बैक विदियो ऑफ ग्लोवल्ड सिटी इस्लामाबाद आज की इस वीडियो में आपको ग्लोवल्ड सिटी इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट वन और डिस्ट्रिक टू का पार्शल पार्ट एक्सप्लेन करूँगा और यह वीडियो अपडेटेड है थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की इस वीडियो में आपको डिटेल्स से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ग्लोवल्ड सिटी में आज की डेट में डेवलपमेंट कहाँ स्टैंड करती है टू वीक्स पहले ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर एक पहले वीडियो बनाई थी ओवरसीज सेक्टर की जिसमें डिस्ट्रिक्ट वन का एक्सप्लेन किया था और उसके साथ साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट टू का भी पार्शल पार्ट एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में और आज के वीडियो में आपको जो चेंजेस नजर आएंगे वो ये है कि मशीनरी की मूवमेंट है बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एज सच जो साइट की डेवलपमेंट है उसमें कोई चेंजेस आपको फील नहीं होते इस वक्त हम स्क्रीन पर जो सेंट्रल एवन्यू देख रही हैं हंड्रेड फिफ्टी फीट वाइड है और हंड्रेड फिफ्टी फीट वाइड होने के साथ साथ ये दो सेक्टर्स को आपस में डिवाइड करता है ये दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में डिवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट वन और डिस्ट्रिक्ट टू को याद रहे कि ओवरसीज जो डिस्ट्रिक्ट है इसके 19 नाइनटीन हैं ओवरसीज के ना तो इसमें वन से लेकर 19 तक अगर देखें तो सिर्फ एक डेवलप हुआ है और 18 नॉन डेवलप हैं यानी कि तकरीबन 5 से 6 परसेंट एरिया डेवलप है ओवरसीज का और रिमेनिंग आपका जो बनता है 94 से 93 परसेंट या 95 परसेंट एरिया वो आपका नॉन डिवेलप है उसकी अभी तक साइड पर कोई मशीनरी की मूवमेंट नजर नहीं आती ओवरसीज चूँकि काफी बड़ा सेक्टर है अब उस सेक्टर में सोसाइटी की तरफ से जब डेवलपमेंट होगी मजीद तो इनशाला मैं टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहा करूंगा और उसमें आपको तमाम चीज़ें

साइड पे जो प्लॉट है वहां पे रेजिडेंशियल सेक्टर होगा जहां पे आपको स्पेसिफिकली जनरल सेक्टर की बात करें तो पांच मल्ला और दस मरला की कटिंग्स मिलती हैं पे सॉरी है और दस मरला की कटिंग्स मिलती हैं लेकिन मोस्टली जो है इसमें सेवन मल्ला कटिंग्स हैं लेफ्ट साइड पर जो ब्लू का रेप्लिका की स्पेस रिजर्व है और आगे स्पोर्ट्स वैली का एरिया है अगर आपने करंटली ब्लू सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरा ख्याल है उसका सबसे बड़ा आपके पास जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो स्पोर्ट्स वैली है उसकी वजह यह है कि स्पोर्ट्स वैली के अंदर जो इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं शुब अख्तर उनके नाम से एक इंक्लेव बनाया गया है यानी कि जितनी बड़ी वो स्केल पे दुनिया को मेरे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को उन्होंने आके बंगे दोहल सब के सामने आके बात की थी कि हाँ स्पोर्ट्स वैली की जो डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है मेरी है अब मेरी ज़ुबान पर यहाँ इन्वेस्टमेंट करें हर एक मेम्बर को यहाँ पर डिलीवर होगा तो डेफिनेटली ओवरसीज़ के अंदर जिस तरह नाइन्टी फोर एरिया नॉन डिवेलप्ड है स्पोर्ट्स वैली में उस तरह से डिवेलप हो नहीं नॉन डिवेल्प नहीं रहेगा सबसे बड़ी बात है स्टेडियम और स्टेडियम के सराउंडिंग में जो एरिया बनता है सारा प्लाटिंग एरिया वहाँ पर ऑलरेडी सोसाइटी ने काफ़ी हद तक ब्राउनिंग करके लेवलिंग करके काम का आगाज़ भी कर दिया है इवन दो उसके हवाले सोसाइटी ने अभी कोई स्पेसिफिकली डेडलाइन नहीं दी चार साल के पेमेंट प्लान पे प्रोजेक्ट है आपकी डेढ़ लाख रुपए से बुकिंग है डेढ़ लाख में अगर आपको प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिलता है वो भी पाँच महल की इस्लामाबाद के ऐसे एरिया में जो फ्यूचर में इस्लामाबाद का दरवाज़ा है तो मेरा नहीं ख्याल के दैट्स अ रॉन्ग बैट क्योंकि आज के डेट में आपको प्रोडक्ट इस्लामाबाद में किसी भी अच्छी जगह पर जाते हैं तो पचास से पचपन लाख साठ लाख का आपको एवरेज स्टार्टिंग प्राइस मिलती है पाँच मिला की जो एरियाज़ डिवेलप हैं जैसे बैरियर टाउन है डी एच ए वहाँ आपको सवा करोड़ डेढ़ करोड़ से स्टार्टिंग प्राइस है तो आपको जितने बैरियर टाउन में आपको पाँच प्लाट मिलने हैं एक प्लाट मिलना है यहाँ पर आप पाँच प्लाट ले, ले सकते हैं बल्कि छः प्लाट ले सकते हैं सात प्लाट भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस साइज को प्रेफर करते हैं इस लिहाज से देखा जाए तो ब्लोल सिटी के स्पोर्ट्स वैली की इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा फीजिबल है चार साल का पेमेंट प्लान है और डेढ़ लाख रुपये से बुकिंग है तो आप उसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं क्योंकि स्टेडियम जो है उसने यानी कि क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स इन हो गए हैं तो उस साइड पे जो सोसाइटी के डेवलपमेंट की पेस है कंपैरिजन टू ओवरसीज डिस्ट्रिक्ट मैं भी आने वाले दिनों में दोबारा पोस्ट करूंगा स्पोर्ट्स वैली की वीडियो अब तीन तो सेक्टर सारे जो जमीन एग्जिस्ट करते हैं और चौथा सेक्टर मुझे पता नहीं वो कहां पर एग्जिस्ट करता है वाटरफ्रंट ब्लॉक लेकिन तीन सेक्टर जो एग्जिस्ट करते हैं जमीन पर उसमें सबसे पहले आपका आता है स्पोर्ट्स वैली जनरल ब्लॉक और आता है आपका ओवरसीज जनरल ब्लॉक के टोटल पांच सेक्टर्स हैं जिनमें से तकरीबन तीन डिलीवर्ड हैं दो नॉन डेवलप्ड हैं जो जमीन पे एग्जिस्ट करते हैं टोटल सेक्टर्स कितने हैं ये मुझे भी नहीं पता ओवरसीज़ के 19 डिस्ट्रिक्ट हैं 19 डिस्ट्रिक्ट हैं 19 में से एट लेवल्ड है अठारह कहाँ पे हैं वो मुझे भी नहीं पता अभी तक डेवलप नहीं है हाँ स्पोर्ट्स वैली का ये है कि स्पोर्ट्स वैली का सोसाइटी ने कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट नहीं रखे हुए क्योंकि स्पोर्ट्स वैली में शोब शोवक, शेव अख्तर क्लेव शामिल है मेन जिसका रिसेंटली कतर में इवेंट हुआ था जब तो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को वहाँ पे बिलास बनाने के लिए प्रॉमिस किया गया था तो जाहिर सी बात है कि जब ग्लोबल सिटी की मैनेजमेंट ने इतने इतन, इतन, इंटरनेशनल लेवल के लोगों को इन्वॉल्व किया है तो जाहिर सी बात है कि उसकी डिलीवरी जो है वो सोसाइटी की प्रायोरिटी होगी जैसे पहले सोसाइटी की प्रायोरिटी थी वो गेट्स का बनाना फोसेज गाइड कॉलेज बॉडर थीम पार्क हॉर्स मैस्कर्ट बुरजिलर कर इसी तरह स्पोर्ट्स वैली की जो डिलीवरेंस होगी वो भी मेरे में की पे आएगा। तो इट इज ड्यूली रिकमेंडेड अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अगर चार साल या पांच साल या छह साल की विंडो में तो आपको वहां पर बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है फ्यूचर में जो ग्लोबल सिटी का जेवी हो गया है सिटी की जो मोटरवे के अपोजिट साइड पर इंटरचेंज की एक्सेस जो स्मार्ट सिटी की उनसे मांगी है अगले एक से सवा साल के अंदर आपको स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज ऑपरेशनल मिलेगा तो मोटरवे के ऑपोजिट साइड पर जनरल टू ब्लॉक है उसकी इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन बहुत अच्छी हैं जहां पर सिर्फ चौदह लाख नब्बे का प्लॉट है और उसकी डाउन पेमेंट भी डेढ़ लाख रुपए है तो डेढ़ लाख जनरल टू की बुकिंग है डेढ़ लाख स्पोर्ट्स वैली की बुकिंग है इसकी प्राइस बनती है बाईस लाख रुपए और उसकी प्राइस बनती है आपकी साढ़े चौदह लाख रुपए तो आपको इस बात से अंदाजा हो जाता है कि डेढ़ लाख रुपए से आप ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलेगा राइट डाउन जो अगर ब्लू वर्ल्ड सिटी में आपने कैश के प्लॉट पर इन्वेस्ट करना है तो आपको जनरल के सेक्टर वन रिकमेंडेड है स्ट्रॉगली रिकमेंडेड है पांचवला और दस मिला की कटिंग के लिए उसके अलावा आठवला की कटिंग्स के लिए उसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ओर ब्लॉक में इन्वेस्ट करने है तो सेक्टर वन डिस्ट्रिक्ट वन इसका रिकमेंडेड है जहां पे आपको सात मर के प्लॉट मिल सकते हैं पाँच मल्ला सात मल्ला, दस मल्ला कनाल और दो कनाल के प्लॉट्स अगर आपको चाहिए कनाल और दो कनाल के जनरल का सेक्टर फाइव और अगर आपने ओवरसीज़ में आना है तो सात मल्ला जनरल में सेक्टर वन में आप कर सकते हैं पाँच मल्ला और दस मल्ला और आठ के प्लॉट ये मोस्ट फिजिबल प्लॉट्स हैं इसके अलावा जनरल आप स्पोर्ट्स वैली के अलावा आप बाई कर सकते हैं अवामी ब्लॉक में जहाँ पर सिर्फ आपका डाउन पेमेंट सतासी है प्लॉट की बुकिंग के लिए वो पे करके आप एक अच्छी प्रॉपर्टी साढ़े चार मरल की आवामी नैस में अपने लिए प्रक्योर कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है इन द लॉन्ग रन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट व्यू से देखते हैं पाँच से छः साल की विंडो इससे छोटी विंडो की आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो बिल्कुल कंसिडर मत करें क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलेंगे तो ग्लोबल सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मैप देख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट वन के मैप में जो मोजार्टी प्लाट्स हैं वो तुम्हारे तो तमाम तो के तमाम प्लाट्स वो बनते हैं थर्टी बाई फिफ़्टी टू पॉइंट फाइव वन सेवेंटी फाइव स्क्वेयर यार्ड या सात मरला के प्लॉट इसके अलावा इस ब्लॉक में और कोई कटिंग मौजूद नहीं है अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट टू की जो डिस्ट्रिक्ट वन की बिल्कुल बैक साइड पर आता है तो वहां पर जो प्लाट के साइज बनते हैं वो भी इसी तरह से हैं कि यहाँ पर सातमला प्लाट मैक्सम मेजोरिटी प्लाट्स में है और बाकी इसमें मेजर पार्ट ऐसा है जिसकी लैंड अभी तक सोसाइटी के पास प्रक्योर्ड नहीं है स्पेसिफिकली सिंगराल गाँव के जो लैंड बनती है वो अभी तक सोसाइटी के पास नहीं है ये एरिया सिर्फ आपको जहाँ पे वाटर टैंक है जो बड़ा ग्रैंड पार्क बना हुआ है वो एरिया आपको थोड़ा सा ज़मीन पे एग्जिस्ट नज़र आता है ये अट्ठारह किनार का पार्क है इसके लेफ्ट साइड वाले जो प्रेमिस हैं अभी ये यहाँ पे सारे ने फ्यूचर एक्सटेंशन लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे सैड ने शुरू में कुछ एरिया ब्राउन कर दिया है बाकी रिमेनिंग एरिया भी उसी तरह ग्रीन है बाकी बाढ़ जब डिवेलप होगा तो इनशाला मैं सौरे से अपडेट कर दूँगा और बाकी जो जनरल टू सॉरी डिस्ट्रिक्ट टू का बाकी एरिया बनता है वो तकरीबन आपको मोस्टली एरिया जो है वो नॉन डिवेलप ही मिलता है आपको नीचे नज़र आ रहा है कि रॉ लैंड है ये जो मोस्ट संगदाल गाँव के लोगों की यहाँ पर ज़मीन रहती है तो इन्होंने अभी तक इस ज़मीन को सेल नहीं किया तो ब्लोल्ड सिटी के पास ये वाली जो लैंड है अभी तक अवेलेबल नहीं है सेक्टर टू की सेम गोस सेक्टर 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 फॉर सेक्टर थ्री सेक्टर फोर सेक्टर फाइव सेक्टर सिक्स सेक्टर सेवन सेक्टर एट सेक्टर नाइन और नाइन टेन से लेके टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन लाइक के स्कूल केड के जो बस काउंटिंग सुना रहा है वो तमाम सेक्टर्स जो हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अभी तक डेवलप हैं ब्लूवल्ड सिटी के ज़मीन पे एग्जिस्ट नहीं करते सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वन करता है जिसका मैप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर डिस्ट्रिक्ट वन की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें भी कुछ एरिया ऐसा है जो सोसाइटी के पास अभी प्रिक्योर्ड नहीं है अगर मैं स्पेसिफिकली स्ट्रीट वाइज बात करूँ तो स्ट्रीट वाइज आप आ जाएँ ये जो रोड बनता है इसमें स्ट्रीट नंबर सेवनटीन है स्ट्रीट नंबर सेवनटीन स्ट्रीट नंबर एटीन और स्ट्रीट नंबर नाइनटीन इसका पार्सल पार्ट part है जो डिलीवर्ड नहीं है अगर हम इस साइड पर जाते हैं तो बल्कि स्ट्रीट सेवनटीन तो पूरी डिलीवर्ड नहीं है उसमें पार्शल पार्ट part तो कुछ भी नहीं है लेकिन पूरी स्ट्रीट ही अभी तक ज़मीन पर विजेस नहीं करती स्ट्रीट फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट ये विजेस नहीं करती स्ट्रीट फिफ्टी नाइन स्ट्रीट सिक्सटी फाइव सिक्सटी फोर स्ट्रीट सिक्सटी सिक्स आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फिफ्टी फाइव से आगे शुरू हो जाए जितनी स्ट्रीट्स आती हैं स्ट्रीट तमाम के तमाम स्ट्रीट ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती और ऑन द अदर साइड आपकी स्ट्रीट फोर्टी फोर है यस yes. ये स्ट्रीट 44 फोर जो है फोर्टी uh, फोर 46 फाइव 48 सिक्स सेवन फोर्टी एट उसके बाद आ जाते हैं 49 नाइन फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फ़ोर फिफ्टी फाइव एंड फिफ्टी सिक्स सेवन एट नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन बल्कि इनफैक्ट फोर्टी से नहीं आप फोटी फोर से शुरू करके स्ट्रीट सिक्सटी तक चौदह कल ये बन गई ये सारी नॉन डिवेल्प हैं इनमें कहीं भी सोसाइटी के पास मेरा ख्याल अभी लैंड के इश्यूज़ हैं क्योंकि नीचे आपको प्रॉपरली रॉ लैंड नज़र आ रही है बंद लैंड अभी तक ब्राउन भी नहीं हुई जब सोसाइटी के पास ये लैंड ब्राउन होगी डेवलपमेंट होगी यहाँ पर तो डेफिनेटली मैं इसके हवाले से अपडेटेड वीडियोज बना दूंगा राइट नाउ जो स्ट्रीट डेवलप हैं ज़मीन पर वो स्ट्रीट नंबर वन से लेकर स्ट्रीट नंबर फोर्टी फोर तक हैं स्ट्रीट नंबर वन यहाँ पे है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्ट्रीट तक यस स्ट्रीट सेवन के बाद स्ट्रीट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व डिलीवर्ड है थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन डिलीवर्ड है सेवनटीन का पार्शल पार्ट मैंने पहले बताया था एटीन का पार्शल पार्ट मैंने पहले बताया था और अगर आप सिक्सटी स्ट्रीट काउंट करें फोटी फोर से आगे तक जितनी स्ट्रीट्स नाउट डिलीवर्ड नहीं है तो आपको रेशियो जो बनती है डिस्ट्रिक्ट वन की दैट इज़ अराउंड सेवेंटी सिक्सटी सेवन 65 टू 67 सेवन परसेंट एरिया है जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास प्रक्योर्ड है डिलीवर्ड है और बाकी एरिया डिस्ट्रिक्ट वन का भी डिलीवर्ड नहीं है तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि अगर उन्नीस डिस्ट्रिक्ट हो उन्नीस डिस्ट्रिक्ट में से आपका एक डिस्ट्रिक्ट डिलीवर्ड और वो भी सेवेंटी परसेंट डिलीवर हो तो आपकी टोटल परसेंटेज जो निकलती है वो बनती है तकरीबन फोर से फाइव परसेंट तो आपके अगर पाँच साल पहले लॉन्च हुआ था या चार साल पहले लॉन्च हुआ था तो एक साल का मतलब है कि सोसाइटी ने जीरो पॉइंट एट परसेंट पर ईयर के हिसाब से ओवरसी ब्लॉक को डिलीवर किया जो मेरे ख्याल में बहुत ही स्लो पेस है

आपका डिलेवरेंस जो बनती है दैट इज़ अराउंड एकड़ में काउंट कर लेंगे तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी बाकी कनालों में बाद में आप मल्टीप्रीवाइड कर लें कन्वर्ट हो जाएगा कनाल में तो आपका जो एकड़ बनते हैं तकरीबन तो आपके हंड्रेड एकड़ राउंड ऑफ कर लें तकरीबन तो आठ सौ कनाल आपका सेक्टर वन का डिलीवर्ड है अगर आप स्पोर्ट्स वैली की बात करें तो स्पोर्ट्स वैली जो बहुत ज़्यादा डिलीवर्ड है इसके कंपेरिजन में स्पोर्ट्स वैली मतलब आप अंदाज़ा करना शुरू करें कि एज़ कम्पेयर टू जनरल ब्लॉक के स्पोर्ट्स वैली का जो एरिया बनता है मैं एकड़ में बता दूंगा आपको अच्छा ये सारा एरिया जो बंदा स्पोर्ट्स वैली का ये सारा इस तरफ से आता है यानी कि यहाँ पे गेट है मैं थोड़ा तो जूम करता हूँ ये मेयरमेंट के बाद तो आपको उसका बेटर आइडिया हो सकेगा कि वो एरिया कितना ज़्यादा जो अभी ज़मीन पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से अब ये स्पोर्ट्स वैली का एरिया आप देख लें तकरीबन आपका छः एकड़ है छः सौ एकड़ आपका स्पोर्ट्स स्� वैली डिलीवर्ड है और आपका जो ओवरसीज ब्लॉक डिलीवर्ड है दैट इज़ अराउंड हंड्रेड एकड़ तो छः गुना ज़्यादा जो आपका स्पोर्ट्स वाले डिलीवर्ड है जहाँ पे आप डेढ़ लाख में बुकिंग करके प्रॉपर्ली प्लॉट प्रोक्योर कर सकते हैं और इसके ऑपोजिट साइड पे ये जो आपको रोड नजर आ रहा है ये सारा जो आपका अडेला रोड है जरार कैंप रोड तो आपका अडेला रोड तक फ्रंट जो है अडाला रोड पे फ्रंट भी चाहिए आपको जब रिंग रोड यहाँ पे डेला रोड पर इंटरचेंज आएगी तो आपको रिंग रोड का इंटरचेंज इस साइड से मिल जाएगा तो 600 सौ एकड़ कि आपके पास अड़तालीस सौ कनाल जो है यहाँ पे एरिया यह डिलीवर्ड है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड नंबर कीपिंग इन माइंड कि आपका पाँच मला का प्लॉट 22 लाख रुपए का है और आप सिर्फ और सिर्फ डेढ़ लाख रुपए दे के आप यहाँ पे प्लॉट की बुकिंग कर सकते हैं और ओवरसीज ब्लॉक में जो प्लॉट बेचे गए थे सात मला का प्लाट थे आई थिंक पंद्रह लाख समथिंग का था पंद्रह लाख चालीस हज़ार का था येस उसमें आपका हंड्रेड एकड़ डिलीवर्ड है अगर हंड्रेड एकड़ मीन्स कि आठ सौ कनाल और स्पोर्ट्स वैली के जो एरिया डिलीवर्ड है दैट इज़ अराउंड सिक्स हंड्रेड एकर्स राउंड ऑफ करें तकरीबन फोटी एट हंड्रेड कनाल यानी छः गुना ज़्यादा जो एरिया है उसका वो डिलीवर्ड है तो आई थिंक स्पोर्ट्स वैली इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन दैट रिगार्ड क्योंकि इसकी बुकिंग आपको बाईस लाख रुपए का आपको पाँच लाख का प्लाट मिलता है और इसके ओल्ड रेट बीस लाख रुपए के थे उसकी फाइल्स मिल जाती हैं और वो फाइल्स आप सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट डेढ़ लाख दे बुक कर सकते हैं सोयर्स दिस पॉज फॉम फ्रॉम टुडे अगर आपको ब्लू ब्लूल्ड सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए और दिए नंबर पर रबात करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़